18 जून से शुरू हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तब भारतीय फैंस को यह उम्मीद थी कि कोहली और उनकी कंपनी 300 प्लस रन बनाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सारी टीम 217 रन पर ही ऑल आउट हो गई। फिर जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो हमारे बॉलर्स किसी तरह से न्यूजीलैंड को 249 रन पर रोकने में सक्षम हुए। करीब दो दिन तक मैच तो बारिश की वजह से धुल गया। उसके बाद जब कोहली की टीम फिर से बल्लेबाजी करने आई तो टीम महज 170 रन पर ही ऑल आउट हो गई और एक बार फिर कोहली की टीम आईसीसी खिताब से दूर रह गई। इस करारी हार के बाद विराट कोहली ने दुखी मन से ट्वीट किया, यह सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि परिवार है, हम साथ आगे बढ़ते हैं। कोहली ने आगे नीला दिल और तिरंगा डाला और अब भारतीय फैंस यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसी हार कोहली एंड कंपनी को दोबारा ना मिले। दोस्तों, आपकी राय में किसकी वजह से भारत यह टेस्ट मैच हारा है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AK क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।